और इसमें संविधान जो बनाया गया था संविधान सभा द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा, उसमें जो सबसे बड़ा अधिकार आम जनमानस को मिला है, महिला पुरुष को मिला है, वो मतदान का है। इसीलिए जो कहा जाता है कि मतदान महादान है और इस महापर्व में सबको भाग लेना चाहिए, और ये बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। अंतिम चरण है, हिमाचल प्रदेश है, चारों सीटों पर आज ही चुनाव हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार भारत मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो पुनः देख लें। मतदाताओं से हमारा निवेदन है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपने मत का प्रयोग करें और मतदान केंद्र में आकर के अवश्य मत डालें। ये केवल मात्र छुट्टी घर में बैठने के लिए, सोने के लिए, अपने काम करने के लिए नहीं है। 5 साल में आप ये काम कर सकते हैं। एक दिन में भी कुछ समय आपको मतदान केंद्र में आकर के जो है वो अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी राष्ट्र की जो है वो नियति जो है निर्धारित होती है। 5 साल किस ओर किस दिशा में चलेगा देश, वो इस मतदान से निर्धारित होता है। चाहे वो सुमटी जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसके जम्मू कैसल में 2 मतदान केंद्र वहाँ गया था, तो वहाँ पर तो भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रही थी, क्योंकि पोलिंग एजेंट भी दूसरी पार्टी का नहीं था। बाकी स्थानों पर भी जो है वो मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, भारी संख्या में लोग जो है वो मोदी जी के लिए बहुत उत्साहित हैं और मोदी जी के प्रति जो है वो अपना मत व्यक्त करने वाले हैं, और निश्चित रूप से इससे दिखाई देता है कि हिमाचल प्रदेश में भी हम 4 की 4 सीटें। आज तक का अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे, मैं शिमला से 5 चुनाव लड़ा हूँ, 4 बार जीता हूँ। सबसे कम मतदान जो है वो शिमला में होता है, ये कोई आज नई बात नहीं है, हमेशा से जो चाहे आप रिकॉर्ड देख लें। इसका कारण है, शिमला में सारे देश भर के लोग रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के भी प्रत्येक ज़िले के लोग यहाँ रहते हैं। बहुत लोगों ने वोट अपने अपने गांव में बना रखा होता है, इसलिए लोग जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ चले जाते हैं, और बहुत लोग छुट्टी मनाने के चक्कर में जो है वो वोट डालने नहीं आते हैं, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं विशेष रूप से जो है वो आपको बताऊँ, सुमटी का वो बूथ जहाँ प्रदेश सरकार के सभी बड़े अधिकारी रहते हैं, वहाँ सबसे कम मतदान है। अधिकांश बड़े अधिकारी वोट डालने नहीं जाते हैं, ये आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है और आज भी यही साबित हो रहा है। इसलिए इसमें जो है कोई असामान्य बात नहीं है, जो परसेंटेज यहाँ हमेशा रहती है वो परसेंटेज शिमला में इस बार भी रहेगी, और गाँव में भी जो मतदान हो रहा है वो भी मोदी जी के लिए हो रहा है, किसान सम्मान निधि के लिए हो रहा है, उज्ज्वला योजना के लिए हो रहा है, वो भी हमारे जो हैं वो जो गांव-गांव में मकान बना रहे हैं और 80 करोड़ जनता को लोक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 5 किलो अनाज दिया जाता है, और देश उन्नति कर रहा है, 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, इस दिशा में जो है वो लोग विचार करते हैं, और गांव के लोग भी उसी दिशा में वोटिंग कर रहे हैं। ये ठीक है, वहाँ ज़्यादा वोट होगा, शिमला में कम वोट होता है, लेकिन परसेंटेज जो है वो बराबर बनती है।